हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसके बैक टू बैक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के वीडियो भी आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी कैन बी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो रेगुलर चेकअप के द्वारा, या फिर फ्रिक्वेंट एंटीनेटल विजिट, या फिर हेल्थ असेसमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैटरनल की मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को अपन रिड्यूस करते हैं तो उसका हेल्थ चेकअप भी करना जरूरी होता है, एंटीनेटल विजिट भी और हेल्थ असेसमेंट भी करना जरूरी होता है, इससे अपन उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। LMP स्टैंड फॉर, ठीक है, तो LMP का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो लास्ट मिनिस्टर पीरियड, या फिर लास्ट मिनिस्ट्रल पीरियड, या फिर लेट मिनिस्टर पीरियड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लास्ट मिनिस्टर पीरियड इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका करेक्ट फुल फॉर्म दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ प्रेगनेंसी इज डन बाय, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है चार्ली रूल्स, नेगले रूल्स, ठीक है, स्नेल रूल्स, या फिर रूल ऑफ नाइन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है नेगले रूल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेहेंसिव हेल्थ असेसमेंट ऑफ अ वुमेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, जो कंप्रेहेंसिव हेल्थ असेसमेंट होता है वो वुमेन को छोड़कर कौन सा है, ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल है, फिजिकल है, या फिर इमोशनल है, फिर साइकोलॉजिकल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला फाइनेंशियल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI ऑफ हेल्थ पर्सन, ठीक है, जो BMI होता है वो हेल्थ पर्सन कितना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, तो लेस देन 25, या फिर मोर देन 25, या फिर लेस देन 18, या फिर बिटवीन 18 से 25। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 18 से 25 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन बी डन इन ए मेनस्ट्रेशिंग वुमेन वंस इन अ मंथ, ठीक है, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो मेनस्ट्रिंग वुमेन होती है उसमें एक मंथ में कितना क्या करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, ठीक है, तो आफ्टर मेनस्ट्रेशन, या फिर वन द फर्स्ट डे ऑफ मेनस्ट्रेशन, या फिर ड्यूरिंग मेनस्ट्रेशन, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आफ्टर मेनस्ट्रेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस इज, ठीक है, सिफिलिस कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट डिसीज होती, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज होती, या फिर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, कौन सी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, जो पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है, वो प्रोलैप्स होता है और एग्जामिन के द्वारा, तो कौन सा इसमें पोजीशन होते हैं, डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन, डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन, या फिर सुपाइन, या फिर प्रोन पोजीशन। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज यू मे आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर विच नीड स्पेसिफिक अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है अबव 14 ईयर, ठीक है। सो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक हमें विदा दीजिए, जय हिंद, जय भारत।